Mornam! 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 भक्त जी कि ये कांवर यात्रा लेकर निकले हैं बाबा भोलेनाथ मंदिर पर जो है जलाभिषेक के लिए, आपकी क्या श्रद्धा है यहाँ से? सर, आज 20 साल पहले हम लोग राप्ती नदी से लेकर के बाबा मंगलीनाथ पर जल चढ़ाते हैं कांवर के पर्वत को। हर साल हम लोग यहाँ आते हैं और दूसरे सोमवार को राप्ती नदी से भर करके बाबा मंगलीनाथ और जंगलीनाथ पर जल चढ़ाते हैं। ये हम लोगों का एक ऐसा आस्था का केंद्र है जो बाबा भोलेनाथ की कृपा से सबकी मन पूरी हो। इस मंदिर का विस्तार कब हुआ? चूंकि आप बताते हैं कि ये पांडवकालीन है और पांडवकालीन है यहाँ जंगल विहार होने के नाते, यहाँ पर सबसे पहले आस्था किसकी जगी और किसने यहाँ पर तपस्या किया? मंदिर में हमेशा कोई ना कोई पुजारी पूजा करने के लिए होता है, लेकिन जैसा कि हमारे पूर्वजों द्वारा ज्ञात हुआ है कि यहाँ बाबा भज्जूदास का स्थान था। बाबा भज्जूदास सिद्ध पुरुष थे, उनको स्वयं भगवान भोलेनाथ बाबा मंगलीनाथ ने दर्शन दिया था और वो बहुत सिद्ध पीठ थी उनकी। बाबा भज्जूदास ही भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चन करते थे, जिन्हें साक्षात रूप से भोलेनाथ के दर्शन हुए थे। बताइए कि आज ये कांवर यात्रा कहाँ से लेकर निकले हैं, आपका नाम क्या है और किस इस समिति में किस पद पर है, विस्तार से थोड़ा बताइए। हमारा नाम पिंटू गुप्ता है, मैं मंगलीनाथ धाम कंवरिया संघ का अध्यक्ष हूँ। ये हमारे समिति के लोग हैं, महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सभी लोग। और ये कांवर यात्रा आज से 20 वर्ष पूर्व हम लोग बाबा मंगलीनाथ धाम के लिए राप्ती तट से होलिया से लेकर चले थे। इस बार हमारा 20वां साल है, भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस बार हम लोग 20 साल पूरा कर रहे हैं। राप्ती तटहुलिया से नवाबगंज श्री हनुमान मंदिर होते हुए जल हमारा प्रतिवर्ष बाबा मंगलीनाथ धाम पे चढ़ता है तथा दूसरे सोमवार में बाबा मंगलीनाथ धाम व बाबा we